लाओत्सु के जीवन में उल्लेख है कि वर्षों तक खोज में लगा रहकर भी सत्य की कोई झलक न पा सका। सब चेष्टाएं की, सब प्रयास, सब उपाय, सब निष्फल गए। थककर हारा पराजित एक दिन बैठा है पतझड़ के दिन है वृक्ष के नीचे। अब न कहीं जाना है न कुछ पाना है। हार पूरी हो गई, आशा भी नहीं बची है। आशा का कोई तंतुजाल नहीं है जिसके सहारे भविष्य को फैलाया जा सके। अतीत व्यर्थ हुआ, भविष्य भी व्यर्थ हो गया है। यही क्षण बस काफी है। इसके पार वासना के कोई पंख नहीं की उड़े। संसार तो व्यर्थ हुआ ही, मोक्ष, सत्य, परमात्मा भी व्यर्थ हो गए हैं। ऐसा बैठा है चुपचाप, कुछ करने को नहीं है, कुछ करने जैसा नहीं है। और तभी एक पत्ता सूखा वृक्ष से गिरा। देखता रहा गिरते पत्ते को, धीरे धीरे हवा पर डोलता वृक्ष का पत्ता नीचे गिर गया। हवा का आया अंधड़, फिर उठ गया पत्ता वो ऊपर, फिर गिरा। पूरब गई हवा तो पूरब गया, पश्चिम गई तो पश्चिम गया। और कहते हैं वही उस सूखे पत्ते को देखकर लाओत्सु समाधि को उपलब्ध हुआ। सूखे पत्ते के व्यवहार में ज्ञान की किरण मिल गई। लाओत्सु ने कहा, बस ऐसा ही मैं भी हो रहा हूँ। जहाँ ले जाए हवाएं चला जाऊं, जो करवाए प्रकृति कर लूं, अपनी मर्जी न रखूं, अपनी आकांक्षा न थोपूं, मेरी निजी कोई आकांक्षा ही न हो। ये जो विराट का खेल चलता, इस विराट के खेल में मैं एक तरंग मात्र की भांति सम्मिलित हो जाऊं। विराट की योजना ही मेरी योजना हो और विराट का संकल्प ही मेरा संकल्प। और जहां जाता हो यह अनंत, वहीं मैं भी चल पड़ूं, उससे अन्यथा मेरी कोई मंजिल नहीं। डुबाए तो डूबू, उबारे तो उभरूं। डुबाए तो डूबना ही मंजिल, और जहां डुबा दे वही किनारा। और कहते हैं लाओत्सु उसी क्षण परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया।